नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रियजनों, एबीसी यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम राजयोग की सीरीज को बढ़ाते हुए, प्रवज्र राजयोग सीरीज को बढ़ाते हुए कुछ और लोगों की कुंडली के साथ इस योग को की बात करना चाहते हैं। और साथ में ये योग कब ऑपरेट होता है, इससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ। मैं आज जो भी कुछ हूँ या मुझे जितना प्रेम मिला या जो मेरी पहचान है, ये सब आपके कारण है और ज्योतिष के कारण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ऋण है, समाज का भी ऋण है और ज्योतिष का भी ऋण है। तो जो मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको यथासंभव आप सब तक पहुँचा पाऊँ। मेरा ऐसा मानना है, जब मैं ज्योतिष सीखता था तो मुझे बड़ी कठिनाई होती थी। मुझे ज्योतिष में कोई गुरु नहीं मिला तो मैं काफ़ी भटका, और भटकने के बाद मैंने सीखा, बहुत मुश्किल से सीखा। जब कोई सिखाने वाला होता है तो आदमी सीधा चलता है, जब कोई सिखाने वाला नहीं होता तो आदमी राउंड राउंड जाता है, फिर कहीं रास्ता मिलता है। और दूसरा, उस समय किताबें भी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 40-45 साल पहले। शास्त्र हमेशा से उपलब्ध थे, लेकिन उनको भी ढूंढना पड़ता था। जैसे आज मिल जाते हैं ना हर जगह पर, ऐसे नहीं था। और ना कोई अमेजॉन था कि आप फ़ोन करो और आपको वहाँ से आ जाए। इस तरह की दिक्कतें थीं, और कोई सिखाना भी नहीं चाहता था। मैं एक जगह ज्योतिष सीखने गया था किसी के पास, तो उसने मुझे यह कह के भगा दिया कि ज्योतिष विद्या गारुड़ी विद्या, पिता पुत्र है ना देहते। उसने बोला कि ज्योतिष विद्या जो है बहुत गहरी विद्या है, पिता पुत्र को नहीं देता, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी बात नहीं बोली, पूरा श्लोक नहीं बोला। पूरे श्लोक का अर्थ यह था कि अगर पुत्र इस लायक ना हो तो पुत्र को नहीं देता, किसी और को दे देता है। उसने आधा बोला और मुझे भगा दिया। खैर, तो मैं सोचता हूँ जो मैं जानता हूँ, मैं बहुत तो नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो मेरे अनुभव में आया है, उसे मैं यथासंभव समाज को लौटा पाऊँ, ऋण हो जाऊँ, डेट फ्री हो जाऊँ, तो मेरी यात्रा आसान हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रवज्र राजयोग की। और इसमें खास बात क्या है, जब चार या चार से अधिक ग्रह किसी भाव में होते हैं तब यह प्रवज्र राजयोग बनता है और तब प्रफुल्लित होता है। और ये कब ऑपरेट होगा, दो तरह से ऑपरेट होता है। एक तो ये जन्म के समय हुआ, ऐसा हर आदमी के साथ नहीं होता। अब जब जिनकी हम बात करेंगे जन्म से, तो वो लोग काफ़ी ऑर्डिनरी पैदा हुए, लेकिन इस योग के प्रभाव से और ऑफ कोर्स अपनी योग्यता के प्रभाव से इन लोगों ने अपार अपार सफलता प्राप्त की, और आने वाली सदियों तक इनका नाम भी रहने वाला है। ज्योतिष में अक्सर बोलते हैं कि जो दूस्थान है, नेगेटिव हाउसेस हैं, 6th, 8th और 12th, वहाँ पर अगर कोई ग्रह हो तो वो ग्रह निष्फल हो जाता है या गलत नेगेटिव परिणाम देता है। अगर 1, 2, 3 ग्रह हों तो ऐसा बोला जा सकता है। यह भी कोई नियम नहीं है, ये मैं बोल दूँ, नियम नहीं है, लेकिन जनरली 1, 2, 3 ग्रह हों तो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन जब 4 हों तो ख़राब नहीं होते, तो ये पक्की बात है। फिर चाहे ये 12वें घर हो, 3रा घर हो, 6ठा घर हो या 8वां घर हो। और एक बात और, जब ये योग किसी आदमी की कुंडली में होता है तो एक समय उस व्यक्ति को बहुत बड़े और लंबे आइसोलेशन से और रिजेक्शन से गुजरना पड़ता है। बिना रिजेक्शन से गुजरे जनरली ऐसा व्यक्ति महान नहीं होता। हमारे पास पहली कुंडली है देवानंद की, सब जानते हैं, फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे।
अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब तक रहे सदाबहार हीरो के नाम से रहे। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो किसी अखबार ने लिखा था कि यंग देवानंद डाइट, ही रिमेन यंग फॉर एवर, एवर ग्रीन हीरो। उनकी कुंडली आपके सामने है, इसमें आप देखिएगा हम बात कर रहे हैं प्रवज्र राजयोग की। इनका 12वां घर देखिए, तुला लग्न है इनका और 12वां जो घर है वहाँ राशि 6 है, 6 नंबर की राशि है। वहाँ पर सूर्य है, शनि है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा छठे भाव में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12वें भाव में, 12th हाउस में 4 प्लेनेट हैं और छठे भाव में एक ग्रह है, तो 5 ग्रह जो हैं उनका संबंध 12th हाउस से है डायरेक्ट। तो सूत्र बोलता है कि जब 4 या 4 से अधिक ग्रह एक भाव में होते हैं तब वहाँ पर प्रवज्र राजयोग घटता है। देवानंद गुरदासपुर में उनका जन्म हुआ, वहाँ के रहने वाले थे और उनके फादर लॉयर थे। पहले तो वहीं पढ़े थे गुरदासपुर में ही, उसके बाद में लाहौर से ग्रेजुएशन किया था इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो एक लॉयर के बेटे थे, जनरली क्या होना चाहिए था, लॉयर हो जाते, जज हो जाते या कुछ और हो जाते, IAS हो जाते उस ज़माने में, ऐसा हो सकता थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना जिससे उनके परिवार में कोई नहीं था। हालांकि उनके जो बड़े भाई हैं चेतनानंद, वो कुछ वर्ष पहले मुंबई में आ गए थे, वहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा उनको सफलता प्राप्त हुई थी। तो देवानंद का वहाँ पर मन नहीं लगता था पंजाब में, तो वहाँ से वो अपना बैग उठाकर मुंबई आ गए। मुंबई तो काफ़ी पहले आ गए, उनको वहाँ पर आकर कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, वहाँ पर उनको पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स होते थे उनको सेंसर करना पड़ता था, तो सेंसर करते थे उनको पढ़ना पड़ता था शायद, उस समय जो डाक लोग भेजते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, वो डाक भी पढ़ी जाती थी उसको सेंसर करते थे। आजकल तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तब सिंपल मेथड होते थे। तो ये वहाँ पर एक सेंसर क्लर्क टाइप के थे, तो बहुत शायद 56 रुपीज़ उनकी मासिक तनख्वाह थी कि वहाँ पर रहते थे। उसके बाद जब ये 17-18 साल के हुए तब इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा 20 साल की आई, जो अगले 20 साल तक चली, चलेगी ही ऑटोमेटिकली। शुक्र जो है इनकी कुंडली में लग्नेश है और द्वादश भाव में, आप देख सकते हैं द्वादश भाव में वो बुध के साथ भी है और बुध के साथ नीच भंग राजयोग में भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा प्रवज्र राजयोग में तो है ही, तो शुक्र की दशा में ही वहाँ पर मुंबई चले गए। पहले सेंसर बोर्ड में, सेंसर पोस्ट ऑफिस में सेंसर क्लर्क की नौकरी की, वहाँ से भाग्य चमका। 1946 में इनकी पहली मूवी आई थी हम एक हैं, शायद वो भारत और पाकिस्तान की यूनिटी पे थी, और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाकी कहानी है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि प्रवज्र राजयोग अगर कुंडली में हो तो वो तभी ऑपरेट होता है जब कोई ग्रह जो उसको डोमिनेटिंग ग्रह हो उसकी जीवन में दशा आ जाए। अगर उसकी दशा ना आए तो फिर ये योग ऑपरेट नहीं होता। उसके बाद देवानंद सुपर हीरो हो गए अपने ज़माने में, उनकी गाइड बहुत सारी मूवीज़ हैं आप सब जानते हैं। एक ऐसा ज़माना आया कि इनकी सारी फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी और ये नई फिल्में बनाते जा रहे थे। तो एक दिन किसी पत्रकार ने पूछा कि देव साहब आपकी सारी मूवीज़ फेल हो रही हैं एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पे, तो आप बनाते जाते हैं आपको डर नहीं लगता? उन्होंने बोला जब मैं मुंबई आया था
तब मेरी जेब में 134 रुपये थे और आज उससे ज़्यादा है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रवज्र योग की एक यह भी बात है, क्योंकि यहाँ पर जब चार से चार ग्रह हों, ये तो 12वें स्थान में, तो अंदर से आदमी साधु होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अंदर से उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने को सिद्ध करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि यस आई कैन डू समथिंग, आई कैन अचीव समथिंग, उसको अपने आप को सिद्ध करना है कि अगर तुम अपने अपने बारे में इतना बड़े प्लान बनाते हो, इतना बड़ा इमेजिनेशन रखते हो, तो क्या तुम कर सकते हो। तो ये एक अंदर का जज्बा जो है, इस तरह के जो योग के लोग होते हैं उनको उसके लिए प्रेरित करता है। और जब वो उस मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे देव ने बोला कि जब आया था 143 या 34 रुपये थे, ऐसे कुछ बोला था, 34 थे शायद, और फ़र्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा हैं, तो ये साधुपन तो हुआ ना। तो यह भी एक इस योग की महानता है। रेस्ट देवानंद की हिस्ट्री है, उसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं योग की। जब योग होता है, अंदर से आदमी साधु होता है, लेकिन जमाने को सिद्ध करना चाहता है, और सिद्ध कर जब कर देता है, फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो अपनी मस्ती में रहता है। यह भी एक राजयोग, प्रवज्र राजयोग की मूल प्रवृत्ति है। अब हम बात करेंगे अगली कुंडली की, और ख़ास तौर से प्रवज्र राजयोग की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की कुंडली जो है, जब पहली बार लोगों ने देखी तो लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ आज से बहुत साल पहले की, और उसके बाद इस कुंडली का जितना विश्लेषण हुआ उतना बहुत कम हुआ। इस कुंडली में भी प्रवज्र राजयोग है। ये कुंडली आपके सामने है, कुंडली है कुंभ लगन की, एक्वेरियस लगन की, और अष्टम भाव में यहाँ पर भी, एट्थ हाउस में सन है, मार्स है, शुक्र है और बुध है, यानी कन्या राशि में अष्टम भाव में चार ग्रह हैं। बृहस्पति छठे में है और शनि चतुर्थ में है। अमिताभ बच्चन का जो शुरू का जीवन रहा है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। खुद ही बोलते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, हालांकि किरोड़ीमल कॉलेज से दिल्ली में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था साइंस में, लेकिन खुद ही बोलते बहुत अच्छा डिवीज़न भी नहीं था। फिर कलकत्ता में, जिसको आजकल कोलकाता बोलते हैं, वह जॉब किया, और उस ज़माने में लंबे तो हैं ही, पतले बहुत थे, तो अधिकतर लोगों को समझ भी नहीं आते थे। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तब शुरू में इन्हें कोई लेने को तैयार नहीं था, एक ऐसा भी दौर है, और आज हर कोई इनके पीछे पड़ा है, समय समय की बात होती है। ये भी एक प्रवज्र राजयोग का दौर है। और जब इनका दौर आया तो ऐसा भी बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन वॉज ए वन मैन इंडस्ट्री। 70s, 80s, 90s तक ही वॉज ए वन मैन इंडस्ट्री, 90s तक भी। उसके बाद 2000 से फिर कह सकते हैं इनका रोल और इनका जो रुतबा है कहीं कम नहीं हुआ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शुरू की, तो शुरू में इन्होंने हर तरह की यातना, रिजेक्शन, इवन ऐसा भी बोलते हैं कि इन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने फेल कर दिया, जबकि इनकी वॉइस तब भी और आज भी सबसे बेहतरीन आवाज़ है। इनके व्यक्तित्व का में सभी कुछ अच्छा है, आंखें भी अच्छी हैं, चेहरा भी अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है, संस्कार भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, उस वक्त लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब ये फिल्म में आए उस समय इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही थी। 69 में जो फिल्म आई थी हम साथ हिंदुस्तानी, साथ हिंदुस्तानी, उसमें ये पहले आए थे। वो फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास की थी, उसका जो क्रिटिक वो था, एक्लेम काफ़ी था, बाकी
बॉक्स ऑफिस में चली नहीं थी, हमने शायद देखी भी नहीं थी, हमारे कॉलेज के दिन थे ऐसा मुझे याद है। तो एक दौर ऐसा था, उसके बाद इनका स्ट्रगल बना रहा 71 तक, हर तरह की मुश्किलें आईं और ये किसी भी तरह से चले नहीं। उसके बाद 71 में इनकी कुंडली में शनि की महादशा प्रारंभ होती है और शनि आप देखिएगा चतुर्थ भाव में है और लग्नेश है, चतुर्थ भाव में है, लग्नेश है, वृष राशि में है और कन्या में चार ग्रह हैं जो प्रवज्र राजयोग बनाकर बैठे हैं। अगर आप एंगल बनाएंगे तो ये नवम पंचम योग बनता है, शनि से फिफ्थ स्थान पर सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है। जैसा मैं बोलता रहता हूँ, मैंने बोला पहले बोला, अगर आपकी कुंडली में खास तौर से प्रवज्र राजयोग हो तो ऐसा ग्रह जो पूरी कुंडली को संचालित कर रहा हो या इस योग को संचालित कर रहा हो उसका गहरा संबंध होना ही चाहिए। तो मुझे देवानंद के किस चाहने वाले ने बताया था कि वो बॉक्सर टाइप फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रांग हो, तो यह एक जज्बा है और यही अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे हैं, जब इनको बॉफर्स के केस में उनको काफ़ी दिक्कत हुई उसके बाद में ख़ास तौर से जो इनका ABCL था वो फेल हो गया बुरी तरह से, उसके बाद फेल हो गया, एक ऐसा ज़माना आया, खुद ही बोलते हैं कि इनको हर तरह की मुश्किल आई, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी बिकने को आ गई और मॉर्गेज में थी ही वो, और लोग जो कल तक उनके बिना चलते नहीं थे अब उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करने को तैयार थे। ऐसी स्थिति में जब सब रिजेक्ट कर दें, और जब सब रिजेक्ट करते हैं तो ऐसा भी होता अपने भी रिजेक्ट कर देते हैं, अपने भी बहुत काइंड नहीं होते, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो जैसा मैं पहले बोलता हूँ कि जब किसी आदमी की कुंडली में चार या चार से अधिक ग्रह हों तो वहाँ पर प्रवज्र राजयोग होता है, ऐसा आदमी भीतर से बहुत मजबूत होता है और सन्यासी होता है। सन्यासी वो होता है जो हर स्थिति में अपने को सहने को, झेलने को, समझने को, लड़ने को, मरने को तैयार रहता है, वो कभी ना नहीं करता, ही नेवर से डाई, वो हिम्मत नहीं तोड़ता। तो इन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी जबकि सबने इनको तोड़ दिया, सबने तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। तो हर आदमी हिम्मत तोड़ता है, टूटती है उसकी, टूटती ही टूटी जाती है, जब सब तोड़ रहे हैं, स्थितियाँ तोड़ रही हैं तो आप हिम्मत कैसे बांधेंगे। एक दौर में यस हिम्मत टूट रही है, ऐसा लग रहा है कि हम ड्राउनिंग हो रहा है, गड्ढे में जा रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं, लेकिन जब आदमी बॉटम टच करता है वहाँ से कम बैक करता है, जब वो कम बैक करता है तो पहले से कहीं आगे निकल जाता है। मेरे को याद पड़ता है कि 1998 में जब इनका ना तो KBC आया था और ना ही इनको रियली कोई ब्रेक थ्रू मिला था, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अमिताभ बच्चन इज़ कमिंग बैक इन ए बिग वे। ये मेरे सारे आर्टिकल पब्लिश्ड हैं इसलिए मुझे यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे हैं, आप देखिएगा तो मेरे नाम से ढूंढेंगे तो सारे मिल जाएंगे, अमिताभ के नाम से मेरे नाम से मिलेंगे तो मिल जाएंगे, तो मुझे यहाँ कुछ दिखाने की लालसा नहीं रह गई, सब सामने ही है, ब्लैक एंड वाइट है। तो मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि राजयोग था तो मैं बोल पाया। जब देवानंद फ्लॉप हो रहे थे तब मैंने एक आर्टिकल में लिखा था, उस समय आर्टिकल का दौर था कि इनको फाल्के साहब अवार्ड मिलेगा, वो मिला उनको, जबकि एक फ्लॉप हो रहा है तो मिलने का कोई क्राइटेरिया कौन सा है मुझे नहीं मालूम, किसको मिलता है किसी को नहीं मिलता, कई लोग दुखी भी रहते हैं, धर्मेंद्र को कोई अवार्ड ही नहीं मिला, बेचारे दुखी रहते हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन उनकी कुंडली में ऐसा था। और अमिताभ बच्चन का जो प्रवज्र राजयोग है, और जब भी अष्टम भाव में इस तरह का राजयोग होता है तो आदमी का जो अंदर का रिजर्वायर होता है, अज्ञात जो उसमें गुप्त शक्ति होती है उसे भी नहीं मालूम होता, कई बार वो उसे स्थितियों से ही ज्ञात होता है,
उसके लिए स्थितियां जब बिल्कुल विकट स्थितियां हो जाएं, बिल्कुल जब ऐसा लगे धराशायी हो गए, तब कहीं से एक स्रोत फूटता है और वो कहता है उठो, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, स्वामी विवेकानंद ने बोला था। और ये जो लोग होते हैं इस तरह के दृष्टांतों को फॉलो करते हैं और ना केवल अपना जीवन बदलते हैं बल्कि औरों को भी जीवन की जीने की राह देते हैं। अब हम एक ऐसी कुंडली का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोग नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। इनका नाम है पिंकेश नाहर। ये साहब मेरे को 2000 में मिले। 2000 के दिनों में हम एक टेलीविज़न प्रोग्राम किया करते थे चैन टेलीविज़न के नाम से, उसमें हम देश के मूर्धन्य ज्योतिषियों का इंटरव्यू करते थे। तो ये मुंबई से पता नहीं क्यों दिल्ली आ गए और दिल्ली आके बोले मेरे से कि जी मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आइए मिलिए, लेकिन मेरे पास फीस नहीं है देने को। मैंने कहा चलेगा, अब मेरी कुंडली देखो, देख लेंगे, लेकिन मेरी कुंडली मत देखो खाली, मेरे को आगे बढ़ाओ। मैंने कहा यार ये ठेका थोड़ी लिया है मैंने, मेरा काम कुंडली देखने का है, देख दूंगा, पैसे नहीं लूंगा, वो चलेगा, आगे कैसे बढ़ाऊंगा, पता नहीं। मैं आ गया, अरे भाई जानना पहचान, बड़े मियाँ सलाम, मैं आपको जानता नहीं, कैसे नहीं आप ये, मैं आ गया बस। आप बच्चे थे, बच्चे लग रहे थे, आज भी मेरे लिए बच्चे ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करते हो, कहाँ रहते हो? यहाँ रहता हूँ कहीं पुरानी दिल्ली में, कुछ शेयरिंग वाली जगह में रहता हूँ। तो ठीक है, दोपहर का टाइम था, भाई लंच करोगे? हाँ लंच करूँगा। ठीक है भाई लंच भी करो। अब शाम हो गई तो हमने कहा अब क्या भोजन करोगे? कि हाँ भोजन भी करा दो। मैंने कहा अच्छा यार ये पता नहीं कहाँ से आया मेरे पीछे। फिर मेरे को इसने बोला, इस लड़के ने बोला कि साहब मैं MBA किया हुआ है, मैं ग्रेजुएट हूँ, अच्छे ख़ानदान से हूँ। मैं वो तो लग रहे हो तुम्हारी सूरत से, तुम अच्छे ख़ानदान से लग रहे हो और काफ़ी चालू भी लग रहे हो, मेरा लंच भी करते हो, मुझे फीस भी नहीं देते हो, हैं और डिनर की भी बात करते हो, बोलते हो कल भी आऊँगा, तो बढ़िया लग रहे हो। तो ठीक है मेरी कुंडली देखो। तो कुंडली आपके सामने, बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है, ये मकर लगन की कुंडली है। यहाँ पर भी प्रवज्र राजयोग है और मैं शुरू से जब से ज्योतिष करता हूँ तो मेरी रुचि रहती है, जिन लोगों की मैंने बात की वो लोग तो ऑलरेडी लक्ष्य को प्राप्त हो चुके थे, उनकी बात करना तो समझो पोस्टमार्टम करना हो गया एक तरह से। वो ज्योतिष में ये भी लोग बोलते हैं कि ज्योतिषी कुछ नहीं करता, पोस्टमार्टम करता है, उनके बारे में सब कुछ मालूम है तो करता है। मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम था जो मैंने बताया, मैं खुद बोल ही रहा हूँ, ये सुनी लेगा, सब साफ है। तो 9th हाउस में, यहाँ 9th हाउस है, बाकी जगह पर 6th, 8th, 12th थे। यहाँ 9th हाउस में सूर्य है, शनि है, गुरु है और चंद्रमा है। सूर्य है, शनि है, गुरु है और चंद्रमा है, बाकी कुंडली आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रवज्र राजयोग है और 9th हाउस में बन रहा है। बाकी कुंडलियों में अष्टम में, कभी द्वादश में, कभी छठे में बनता था जो मेरे रिकॉर्ड में है। तो मैंने कहा, सोचा अपने आप से कि ये तो योग है, ये लड़का तो कमाल करेगा। तो मैंने उसको बोला कि तुम तो अरबोंपति हो जाओगे। बोले साहब मजाक मत करो मेरे से, मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता तो हूँ। तो मैंने कहा तुम चाहते हो, ठीक चाहते हो, कि मैं साहब बहुत एम्बिशियस हूँ। मैंने बोला अपने एम्बिशन को कम मत करना, इसको और बढ़ाना। बोले बढ़ा दूंगा तो मैं कि मेरा माथा हिल तो नहीं जाएगा, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे घर में लोग बोलते हैं तुम चार्टर्ड, कहाँ CA भी था,
सी ए भी था, एम बी ए था, सी ए था, वो बोलते हैं घर वाले सी ए का काम करो, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई मेरे घर में खाने की कमी नहीं, लेकिन मेरा मन है कुछ और करने का। तो मैंने कहा तुम मेरे पास कैसे आ गया? वो तो ठीक है, वो घर वालों को पता नहीं मैं आपके पास आ गया, मुझे लगा होगा कोई कार्मिक कनेक्शन। तो मैंने बोला अभी तुम्हारी कुंडली में एक दशा शुरू होने वाली है और इस दशा में कम से कम 500 करोड़ के आदमी हो जाओगे, और आज की डेट में इसने मुझे बताया, इस बालक ने, कि मैं साहब 2000 करोड़ का आदमी हूँ, और ये बात भी काफ़ी पुरानी हो गई, मेरे को लगता है अब ये करीब 10,000 करोड़ का होना चाहिए, क्योंकि इनकी ऑफिस हर जगह हैं, चाइना है, सिंगापुर हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, बॉम्बे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, मैं ट्रैक भी नहीं रखता, जब आते हैं तो मिल लेता हूँ, नहीं आते हैं तो बढ़िया है, मैं खुश हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रव्रजक राज्य अगर है तो वो एक जज्बा देता है, जब आदमी कुछ नहीं है, ये हमने देवानंदी कुंडली में देखा, जब वो कुछ नहीं थे तो उनको लगा मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, तो किया। अमिताभ बच्चन को लगता था कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो वो और करना चाहिए जहाँ पर कोई बैकग्राउंड नहीं है, जहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो वो हुआ। ऐसे ही इस बालक को लगा मुझे कुछ और करना चाहिए। बाद में इन्होंने माइंस ली हल्द्वानी में, पता नहीं कहाँ कहाँ इनका माइंस का बड़ा भारी काम है, मेरे को बुलाया भी, मेरा सम्मान भी किया, मेरे को बुलाया इन्होंने कलकत्ता के आगे, तो मैं गया था, इनके वहाँ शिप वगैरह हैं, उससे इनका माल जाता है, मैंने देखा सारा। एक बार मैं गया था, बॉम्बे भी गया एक बार इनके पास, बहुत अब मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन 2002-2001 के बाद जब इनको राहु की दशा चली 18 साल की, उसमें सारा परिवर्तन हो गया, एंड ही स्टिल वेरी यंग, ही जस्ट यू नो 39 ईयर्स ओल्ड, ऐसा कुछ ज़्यादा उम्र नहीं है, यस ही जस्ट 39 ईयर्स ओल्ड, ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी। तो आप समझ लीजिए पिछले 18 सालों में कमाल हो गया, और राहु की दशा आई, राहु सप्तम हाउस में है, तो मैं बोलता हूँ कि वो ग्रह कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर राहु अपरेंटली कनेक्ट नहीं दिखता, बाकी सारे ग्रह बैठे हुए हैं कन्या राशि में, सारे के सारे जो प्रव्रजक राजयोग है वो कन्या राशि में घटित हो रहा है, और राहु बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में सप्तम भाव में, लेकिन राहु बैठा हुआ है आश्लेषा नक्षत्र में जिसका स्वामी बुध है, तो राहु यहाँ पर बुध का काम करेगा। नक्षत्रों की थ्योरी है जिसपे हम काम करते हैं, और ज्योतिष को नक्षत्रों में ही ढूंढा जाता है, और नक्षत्रों के भी बहुत गहरे में जाके ढूंढा जाता है, ज्योतिष ऐसे राशियों में नहीं मिलता, योग में मिलता है, और योग में भी नक्षत्रों में मिलता है, और उसको बहुत गहरे में जाके एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ जो कुंडलियाँ, ये कुंडली है, और अभी ये बच्चा जो है, बच्चा तो नहीं है, तो बराबर का है, ये बहुत इज्जत करता है परिवार हमारी, बड़ा सम्मान करता है, मैं इनको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये बड़ा इंटेलिजेंट बॉय है, मैन है रादर, और बहुत सफल आदमी है, बहुत व्यवहार कुशल है, इतना बढ़िया प्यार से आपसे बात करता है, इतनी हॉस्पिटैलिटी है, कमाल के लोग हैं ये, पूरे परिवार, पत्नी भी, बच्चे भी, छोटे छोटे हैं, लेकिन संस्कार पूरे के पूरे हैं। अभी गुरु की दशा आएगी तो और कमाल होगा। तो यह प्रव्रजक राजयोग है, जब कुंडली में होता है तो बोलता है, जब भी कोई राजयोग कुंडली में होता है उसका असर आता है, और जब असर आता है तो आदमी कमाल करता है, और कमाल करने के बाद, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, फिर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर वो अंदर से कूल हो जाता है, उसे लगता है कि बस मुझे करके दिखाना था, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज इंडल्ज नहीं होता। तो ये लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, जितने भी लोग हैं, बाकी आप सबको जानते हैं, देवानंद अपने हिसाब से डिफरेंट हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन को भी देखें तो उन्हें इतनी प्रसिद्धि से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बोलते हैं ये तो डायलॉग लिख के दिए उसने, डायरेक्शन ने सिखाया, मैंने क्या किया, मैं आया और मैंने बोल दिया, इतनी सज्जनता कहाँ मिलेगी आपको। तो ये लोग ज़्यादा उसमें नहीं रहते कि मैं बहुत महान हो गया, मैंने दुनिया को कम्प्लीट जीत लिया। तो सज्जनता जो है, साधुपन जो है, तो प्रव्रजक राजयोग में एक साधुपन होता है,
एक जिद्दबाजी होती है करने की, जब कर लिया तो साधुपन प्रकट होना शुरू हो जाता है। देखते रहें अजय भांबी चैनल यानी ABC, और हमारा प्रयास है कि आने वाले एपिसोड्स में हम और कुछ अलग अलग आपसे बातें करें। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।